নদীর একুল ভাঙে ও কুল ঘরে। ফ্রেন্ডস আপ দেখ পা রা কি ইতনা বড়া পের, ইতনা বড়া পের আসানা গির গয়া অর পানি মে ডুব ডুব যা রা অলরেডি। তো আপ দেখ রা দোস্ত এ যে সিন হে আসাম কা সিন হে দোস্ত, আসাম কা হাল দোস্ত এসাই হতা হে। আসাম কা আসপাস মে ইয়ানি নদী কা আসপাস মে মতলব জো লোক ঘর দ্বার বানা কে রহতে হে ও লোক কো বিলকুল 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 শান্তি ইয়ানি সুকুন হেই নি দোস্ত। ইয়াঁ পর দেখ রা ইতনা বড়া বড়া পের তোড় তোড় কে লেগে যা রা নদী। তো ক্যা ক্যা করে ইয়ার যা জো লোক মতলব নদী কা নজদিক ঘর বানা কে রহতে হে অর क्या करे, इतना बड़ा बड़ा पेड़ कर देता है, घर द्वार तोड़ तोड़ के लेके जाता है। आसाम का यही मतलब सबसे बड़ा मुसीबत यही है कि जो लोग नदी का आसपास में चौर में जो लोग घर द्वार बना के रहते हैं वो लोग के साथ ऐसे रहते हैं दोस्तों। तो आपको यकीन नहीं होगा कि इतना बड़ा पेड़ कैसे गिर गया। तो आपको इसलिए मैं देखा दिया कि किस कैसे और किस तरह से गिरते हैं दोस्तों। बहुत ही अफसोस की बात है कि दोस्तों जो लोग नदी के पास रहते हैं वो लोग को कितने मुसीबत और कितना चीज़ झेलना पड़ते हैं। एक साल में 3-4 बार 6 बार करके घर द्वार तोड़ना पड़ते हैं और यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ तक जाके उन लोग को मतलब नई नई घर बना के रहना पड़ता है दोस्तों। तो वीडियो आपको मतलब देखाने का यही मतलब था कि आप आसाम के बारे में थोड़ा जान सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब जरूर जरूर कर दिया दोस्तों। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो, तब तक टाटा बाय बाय टेक केयर।